वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि यह इस वीडियो इस क्वेश्चन का पार्ट टू वीडियो है। इससे पहले इस क्वेश्चन का एक वीडियो आ चुका है पार्ट वन, जिसमें क्वेश्चन नंबर वन और टू को बनाकर दिखाया गया था, और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर थ्री को बनाएंगे। तो पहले वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहें तो वहाँ से भी आप पहले पार्ट वन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें करते हैं ये तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जाए, ड्रॉ नेट स्केच ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोविंग विथ प्रोपोर्शनेट। ये ए में दिया हुआ है हेक्सागोनल बोल्ट, बी में दिया हुआ है पेन हेड रिवेट, और सी में दिया हुआ है स्क्रू थ्रेड। इन तीन में से किसी एक का, एनी वन का, एक प्रोपोर्शनेट व्यू बनाना है एक प्रॉपर मेजरमेंट के साथ, साफ सुथरा और अनुपातिक रूप से सही व्यू हमें बनाने को कहा जा रहा है। तो यहाँ आपको ये तीनों ही बनाकर दिखाया जाएगा कि हेक्सागोनल बोल्ट कैसे बनता है, पेन हेड रिवेट कैसे बनता है, और स्क्रू थ्रेड कैसे बनता है, क्योंकि हम यहाँ सीख रहे हैं बनाना। आपको जो भी अच्छा लगे, अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप उस तीनों में से कोई एक को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर ये जो है हमारा हेक्सागोनल बोल्ट को बनाकर देखते हैं ये कैसे बनता है। तो आप देख रहे हैं ये है हेक्सागोनल बोल्ट, इस तरह का ये बनता है, ठीक है। इसे बनाना भी सीखते हैं हम। ये जो है हेक्सागोनल बोल्ट, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, पहले इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, उसके बाद इसको फिर हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए हेक्सागोनल बोल्ट इस तरह से बनाया जाता है, इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू है ये। तो देखिए ये जो हिस्सा है ना, ये यहाँ से यहाँ एल लंबाई होती है, इसका कोई निश्चित मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं एल, तो हमने यहाँ एल को खुद से मान लिया है कि ये हम ये 100 mm है, एल को 100 mm ले लिया गया है। ये डाया डी को हमने यहाँ 20 mm ले लिया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये जो लिखा है थ्रेड लेंथ, थ्रेड लेंथ का फॉर्मूला होता है ये, देखिए यहाँ लिखा है थ्रेड लेंथ इक्वल टू 2D, मतलब डाया का दोगुना थ्रेड लेंथ होगा, तो उसको निकाला गया है यहाँ कैलकुलेशन करके, तो ये 40 mm आया है हमारा थ्रेड लेंथ, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ ये हेड का हाइट होता है, जो हाइट इक्वल टू दिया गया है क्या 0.8 × D, तो 0.8 को 20 से गुना कर देंगे जो कि डाया है 20, तो वह हमारा आ जाता है 16 mm, ठीक है। इसी तरह आर, ये जो आर्क बनेगा इसके लिए एक सेंटर पॉइंट बनाना होता है और इसके बीच आर लेना होता है, तो ये आर हमारा कितना है, आर इक्वल टू 1.5 D, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 30 mm, ठीक है। और देखिए ये हेड का कह लीजिए, या ये हेड का आपका विथ है, चौड़ाई है, वो है क्या 2D, ये सॉल्व करेंगे ये आएगा 40 mm, ठीक है। तो ये सारे मेजरमेंट आ चुके हैं हमारा, तो इन मेजरमेंट को लेते हुए इस हेक्सागोनल बोल्ट को यहाँ बनाते हैं। चलिए तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले एक देखिए बीच में ये लाइन ड्रॉ की गई है ना, सेंटर लाइन की तरह, ये सेंटर लाइन भी कह सकते हैं इसे, या फिर इसे हम यहाँ एक्सिस लाइन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए बिल्कुल सीधा स्केल को रखेंगे, या फिर आप सेट स्क्वायर की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और ये लाइन बनाते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट, ये एक लाइन छोटी या एक पॉइंट, उसके बाद बड़ी लाइन, इस तरह से ये बन गया हमारा। अब देखिए सबसे पहले इस पोर्शन को बनाते हैं, ये क्या है डी हमारा कितना दिया है 20, तो इस एक्सिस लाइन से ऊपर 10 mm, नीचे 10 mm पर एक पॉइंट मार्क करेंगे, इस तरह से वर्टिकली स्केल को लगाना है, और यहाँ से ऊपर 10 और नीचे 10 लेते हुए थीन लाइन, अभी डार्क नहीं करेंगे लाइंस को, अभी थीन लाइंस पर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद लाइन जब पूरा व्यू हमारा बन जाएगा तब उस सभी लाइंस को डार्क कर देंगे। ये हमारा हो गया ऊपर 10 नीचे 10, ये टोटल 20 mm की लाइन हो गई। अब देखिए ये लेंथ हमारा कितना माना गया है यहाँ 100 mm, तो लेंथ को यहाँ से यहाँ तक इस एक्सिस लाइन पर 100 mm पर यहाँ पॉइंट मार्क कर लिया 100 mm, ठीक है। अब देखिए अब इस लाइन को बनाते हैं, ये लाइन, तो ये लाइन हमारी कितनी है, ये देखिए W, ये क्या है 40 mm, तो यहाँ पर 40 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे, इस एक्सिस लाइन से ऊपर 20 mm, नीचे 20 mm, ये देखिए इस तरह से स्केल को लगाना है, और यहाँ से ऊपर 20 mm,
और नीचे 20 में ये हमारा हो जाएगा ये फील लाइन, ठीक है। और इसके ऊपर नीचे 10 एम एम पर भी एक क्विक पॉइंट मार्क करेंगे, यहाँ 10 और इससे इस पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ एक लाइन बना देता है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी लाइन बन गई और यहाँ से यहाँ ये दूसरी लाइन, ठीक है, इतना हमारा बन गया। अब देखिए ये आर्क बनाते हैं, पहले ये एक आर्क बना हुआ है ना, इस आर्क को बनाने के लिए क्या करना होता है, कंपास में के निरल को यहाँ कहीं सेंटर लाइन पर यहाँ रखते हैं और यहाँ से इस पॉइंट तक, यहाँ तक एक दूरी माप लेते हैं कंपास से, ये दूरी मेजरमेंट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर इस आर्क को घुमाते हुए यहाँ से यहाँ ये आर्क बना दिए, ठीक है। अब देखिए ये थ्रेड वाले भाग को दिखाने के लिए ये थ्रेड कितनी दूरी तक देना है हमें, ये यहाँ आया है 40 mm, तो यहाँ से यहाँ तक 40 mm पर एक पॉइंट मार्क करते हैं, ये 20 40 यहाँ और यहाँ से यहाँ ये, ठीक, 40 हो गया, यहाँ एक लाइन बना देंगे, हो गया हमारा। और देखिए इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 1 mm की, यहाँ से इस लाइन से ऊपर 1 mm और इस लाइन से नीचे 1 mm पर एक एक पॉइंट मार्क करेंगे, 1 mm की दूरी पर ये लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए इस तरह से और ये यहाँ से ये लाइन इस तरह से और यहाँ ये लाइन इस तरह से, ठीक है, और फ्री हैंड यहाँ से इसको इस तरह राउंड बना देंगे, ये हमारे थ्रेड के पोर्शन को दिखाता है, यहाँ तक होता है जो बोल्ट में थ्रेड कटेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इस हेड को बनाते हैं, हेक्सागोनल हेड को, तो इसके लिए यहाँ से यहाँ एच है, एच हमारा कितना आया हुआ, एच ये देखिए एच आया हुआ है 16 mm, 16 mm, तो एच के लिए यहाँ से यहाँ 16 mm पर एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ 16 mm पर ये, ठीक है, और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बना देंगे 40 mm की यहाँ से यहाँ थ्री लाइन, ठीक है। और देखिए आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ से यहाँ 10 और यहाँ 10 पर पॉइंट मार्क करते हैं और इसे ध्यान दीजिएगा थिन लाइन पर बनाइएगा, लाइंस को डार्क नहीं करनी है अभी, अभी कंस्ट्रक्शन लाइन पर हम बनाएंगे, उसके बाद इन्हें डार्क करके दिखाया जाएगा, पहले ये सभी लाइन बना लीजिए, ठीक है। आप देखिए ये जो आर्क है ना, सबसे पहले इस आर्क को बनाते हैं, यहाँ ये आर है, आर लेने के लिए क्या करना होगा, आर इक्वल टू कितना आ गया है हमारे यहाँ 30 mm, तो कंपास पर 30 mm मेजरमेंट करते हैं स्केल की मदद से, ये यहाँ से यहाँ 30 mm ले लिया और कंपास के निडल को इस पॉइंट पर रखेंगे, यहाँ यहाँ रखते हुए इस एक्सिस लाइन पर एक पॉइंट मार्क करते हैं या कट लगाते हैं यहाँ, ठीक है। अब कंपास के निडल को इस कट पर लगाएंगे यहाँ और यहाँ से यहाँ एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं, ये ठीक है। अब देखिए ये आर्क इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कटी है, इन दोनों पॉइंट को की मदद से यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बना लेंगे, ये लाइन ज़्यादा डार्क नहीं करना है,
लाइट लाइन बनाएंगे, यहाँ से ये लाइन, ठीक है, ये लाइन बना ली। अब आगे देखना है, ये यहाँ से यहाँ तक ये इस आर्क को, ये आर्क और ये आर्क, ये दो आर्क बनाने हैं हमें। तो इनको बनाने के लिए क्या करना होता है, ध्यान से देखिए, ये जो हमारी है ये 10 mm की लाइन है, 10 mm की लाइन पर एक बीच पर पॉइंट मार्क करेंगे 5 mm पर, ये यहाँ 5 mm, और यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ भी 5 mm पर पॉइंट मार्क कर दिया, और एक लाइन बना देते हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, लाइट लाइन, डार्क नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखिए आर्क को बनाने के लिए आगे क्या करना है, देखिए ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ एक लाइन बना दिया, ये वाली लाइन, ठीक है। अब क्या करना है, ये बहुत सी छोटी लाइन है, देख रहे हैं ना, ये बहुत छोटी लाइन है। अब इस लाइन को समद्विभाजित करना है, इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करना है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, आप प्रयास करिएगा तो ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी बता रहा हूँ कैसे होगा, समद्विभाजित करने का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, आप 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इसको। इस जो छोटी सी लाइन है, इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, उसको कंपास के तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इस कंपास के निडल को इस पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ रखते हुए इस लाइन का आधा से अधिक मेजरमेंट कर लेंगे, कंपास से आधा से अधिक माप ले लेंगे इस लाइन का, देखिए इस तरह से, यहाँ देखिए ले लिया, आधा से अधिक माप लिया, और एक कट ऊपर लगाएंगे, ध्यान दीजिए, एक कट इधर ऊपर लगा दिया इस तरह से, और एक कट इधर नीचे लगा दिया इस तरह से, ठीक है। अब वापस से कंपास का निडल इस पॉइंट पर लगाएंगे और यहाँ एक कट, और ध्यान दीजिए ये नीचे कट, नीचे वाला कट आया नहीं ठीक से, फिर से एक बार ये यहाँ से यहाँ, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये दोनों कट आपस में जहाँ कटते हैं तो ये एक पॉइंट बनेगा और इधर भी एक पॉइंट बनेगा, है ना। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये यहाँ से यहाँ बना दिया, ठीक है, बहुत छोटा सा हिस्सा है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब ये लाइन और ये जो लाइन बनाया था, ये दोनों लाइन आपस में एक जगह कटती हैं, यहाँ एक पॉइंट बनेगा, यहाँ एक पॉइंट बन जाता है। अब इस पॉइंट पर कंपास के निडल को रखते हैं, देखिए यहाँ पर कंपास के निडल को रखेंगे और यहाँ से यहाँ कंपास से मेजरमेंट लेंगे, और यहाँ पर एक आर्क, ये वाला जो आर्क है ना ये बन जाएगा, ध्यान दीजिए, कंपास के निडल को इस पॉइंट पर लगाया, यहाँ ये सेंटर पॉइंट हो जाती है, और यहाँ से यहाँ मेजरमेंट ले लिया, बहुत छोटा सा हिस्सा है, थोड़ा मुश्किल होता है बनाना लेकिन बन जाएगा कोशिश करने से, और यहाँ से ये आर्क बना दिया इस तरह से, ये ठीक है। इसी मेथड से यहाँ पर भी आर्क बनाना है, ठीक है, इतना कुछ करना नहीं है। देखिए पहले सबसे पहले क्या करिए, ये 10 mm है तो 5 mm पर एक पॉइंट मार्क कर देना है, यहाँ 10 है 5, इधर भी 5 mm पर, और ये लाइन बना लेनी है, पहले ये लाइन बना लिया। अब कंपास के निडल को इस पॉइंट पर रखते हुए यहाँ से यहाँ इस पॉइंट का मेजरमेंट ले लेना है, ये पॉइंट देखिए इस तरह से, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट का मेजरमेंट ले लिया, और कंपास के निडल को यहाँ लगाया यहाँ, और इस लाइन पर एक कट लगाकर ये पॉइंट यहाँ बन गई, ये है ना। अब कंपास के निडल को यहाँ रखेंगे और यहाँ पर भी ये आर्क बना लेंगे, देखिए ध्यान से, ये है, ये आर्क हमारी यहाँ भी बनेगा इस तरह से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हेक्सागोनल वाला हिस्सा जो है ना इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करिए,
कोशिश, यहाँ से करीब 40 से 50 एम एम की दूरी पर यहाँ एक पॉइंट मार्क कर लिया, ये पॉइंट मार्क कर लिया, और इस पर एक सेंटर लाइन बनाते हैं वर्टिकली यहाँ पर इस तरह से, ये बना लिया। ठीक है, अब कंपास के निडल को इस पॉइंट पर रखेंगे, कंपास के निडल को इस पॉइंट पर रखेंगे यहाँ, और यहाँ से यहाँ इसका मेजरमेंट ले लेते हैं इस लाइन का। देखिए इस तरह से कंपास के निडल को यहाँ रखते हुए इस लाइन का यहाँ से यहाँ मेजरमेंट ले लिया, यहाँ नीचे भी उतना ही है। ठीक है ना, और ये सेंटर पॉइंट पर कंपास के निडल को यहाँ रखते हैं, और यहाँ पर एक बिल्कुल ही लाइट लाइन पर यहाँ एक सर्कल बना दिया, पूरा सर्कल। ठीक है, अब कंपास के निडल को इस पॉइंट पर एक बार रखेंगे यहाँ, और एक कट यहाँ लगाएंगे, एक कट यहाँ लगाएंगे, फिर कंपास के निडल को यहाँ रखेंगे, एक कट यहाँ लगाएंगे, एक कट यहाँ लगाएंगे। मेजरमेंट इसका जो सर्कल का रेडियस है उतना ही मेजरमेंट रहेगा, बस कंपास के निडल को यहाँ रखते हैं और यहाँ से एक कट लगा दिया ऊपर और नीचे, फिर कंपास के निडल को यहाँ लगाएंगे, एक कट ऊपर लगा दिया, है ना। देखिए ये एक पॉइंट आता है, यहाँ एक पॉइंट, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इन छह पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हुए एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमारा हेक्सागोन बन जाएगा। देखिए कैसे, पहले इन दो लाइन, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन बनाते हैं यहाँ, ठीक है, नीचे भी ये, अब इन दो पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ एक लाइन बना दिया, फिर एक लाइन इन दो पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ, इसी प्रकार से यहाँ भी एक लाइन बनाएंगे इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, और आखिरी लाइन ये यहाँ इस तरह से। ठीक है, देखिए ये हेक्सागोन हमारा बन गया है। अब ये जो सर्कल है बाहर बनी हुई, इसे मिटा देते हैं। देखिए इस तरह से ये सर्कल को यहाँ मिटा दिया। देखिए अब इस बाहर वाले सर्कल को मिटाने के बाद इस हेक्सागोन के अंदर एक सर्कल बनाएंगे, उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, देखिए ये सर्कल जो बनेगी ये हर एक हेक्सागोन के लाइन को टच करते हुए क्रॉस करेगी। देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ रेडियस ले लेना है, और एक सर्कल इस तरह से हेक्सागोन के हर एक साइड को टच करते हुए ये सर्कल यहाँ बना देंगे इस तरह। ये बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, एक सर्कल देखिए ये बीच में भी बनी हुई है, दो सर्कल, तो ये पहले बाहर वाले सर्कल इसको बनाते हैं, इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस जो डाया है हमारा ये हेक्सागोनल बोल्ट का, ये डाया उसका आधा ले लेंगे, रेडियस ये 20 है तो 10 एम एम। कंपास के निडल को इस पॉइंट पर रखते हैं और यहाँ से यहाँ मेजरमेंट लेंगे और इसी रेडियस पर यहाँ पर एक सर्कल बना देंगे। इस तरह से, ठीक है, ये सर्कल बन गया। आप देखिए यहाँ एक और एक ओपन एंडेड सर्कल बना हुआ है, ये पूरी तरह ढक बंद नहीं है, सर्कल ओपन एंडेड है, इसको भी इसका रेडियस यहाँ से यहाँ ये रेडियस ले लिया, थ्रेड के हिस्से को ये दिखाएगा, तो इसको यहाँ पर इस तरह से एक ओपन एंडेड सर्कल बना देते हैं। ये हमारा बन गया, ये हमारा यहाँ हेक्सागोनल बोल्ट बनकर तैयार है। अब इसे अच्छे से डार्क कर देना है, और ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इन सभी को यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला के साथ, यहाँ लिख देना है, और ये हमारा पूरा हो जाता है। ठीक है, इसको अभी वीडियो को रोककर मैं इन्हें डार्क कर देता हूँ और वो सारी चीज़ें लिख देता हूँ, उसके बाद देखते हैं ये किस तरह दिखेगा। ये देखिए ये हमारा यहाँ डार्क करने के बाद कुछ इस तरह से दिखने लगता है, तो ये हमारा यहाँ हेक्सागोनल बोल्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब जो
बी नंबर पे है पेन हेड रिबिट, इसे बनाते हैं। ये देखिए आपके सामने ये जो बना हुआ है ये एक पेन हेड रिबिट है, इसको बनाना भी बहुत आसान है। देखिए इसमें कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, उनको समझना है। देखिए ये पेन हेड रिबिट है, यहाँ पर भी डाया लेना होता है जो कि यहाँ 20 mm ले लिया गया है, और लेंथ भी लेना होता है जो कि यहाँ 50 mm लिया गया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को निकालने के लिए 1.6D करना होता है। देखिए यहाँ किया गया है 1.6D, तो इसको सॉल्व करते हुए 32 mm आ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट को निकालने के लिए, हेड के हाइट को निकालने के लिए 0.7D करना होता है, जो कि 0.7D करने के बाद ये यहाँ 20 mm, तो ये 14 आता है, 14 mm, ठीक है। तो चलिए इसे बनाकर देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले ये जो एक्सिस लाइन या सेंटर लाइन जो कर लें इसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल सीधी स्केल को लगा के ये लिया, ठीक है। अब सबसे पहले इस रिबिट के हेड को हम बनाते हैं। हेड को बनाने के लिए सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन हमारी कितनी है, ये लाइन देखिए यहाँ निकाला गया है, ये 32 mm, तो इस एक्सिस लाइन के अगल बगल 16 mm 60 mm 16 mm ले लेंगे, तो ये 32 mm की लाइन बन जाएगी। देखिए यहाँ से 15 और 1 16 mm पर, यहाँ पर भी 15 और 1 16 mm पर ये पॉइंट मार्क कर दिया, और यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी ये 32 mm की, ठीक है। अब यहाँ से ये हाइट ये कितना है, ये निकाला गया था 14 mm 14 mm, तो यहाँ से 14 mm ऊपर एक पॉइंट मार्क करते हैं, 15 से कम 14 पर। और देखिए ये जो पोर्शन है ये कितना है, ये डी है, डी हमारा कितना है 20, तो इस पॉइंट से इधर 10 mm इधर 10 mm लेकर यहाँ 20 mm की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से यहाँ ये 20 mm की लाइन हो गई, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इस दोनों लाइन के एंड को आपस में मिलाते हुए यहाँ एक इंक्लाइन लाइन बना देंगे स्केल के मदद से, और इधर भी एक तिरछी लाइन बन जाएगी स्केल के मदद से। ये हो गया हमारा, ये हेड बन चुका है। अब ये लेंथ को लेने के लिए ये यहाँ से यहाँ 10 mm पर, यहाँ से यहाँ 10 mm पर एक एक पॉइंट मार्क करते हैं। देखिए इधर 10 10, उसी प्रकार से नीचे भी यहाँ से यहाँ 10 mm पर, यहाँ से यहाँ 10 mm पॉइंट मार्क करेंगे, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से इस लाइन की लंबाई हो जाएगी 50 mm, यहाँ से यहाँ 50 और यहाँ भी 50 mm, ठीक है। 50 mm के बाद ये सैंपल यहाँ बना देने हैं नीचे इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा बन गया पेन हेड रिबिट। अब इस पर इन सभी को जैसे लिखा हुआ है डायमेंशन लाइन के साथ उनको लिख देना है, नीचे पेन हेड रिबिट लिख देना है, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये पेन हेड रिबिट बी भी हमारा पूरा हो गया। अब देखिए यह आगे लिखा हुआ है सी स्क्रू थ्रेड, यहाँ कोई स्क्रू थ्रेड का नाम नहीं दिया गया। स्क्रू थ्रेड बहुत सारे होते हैं, एक होता है कि यहाँ स्क्रू थ्रेड का नोमेनक्लेचर बना दीजिए तो वो बनाना ज़्यादा कठिन होता है, स्क्रू थ्रेड से भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक आसान सा कोई स्क्रू थ्रेड बना देते हैं। आपको जो भी आसान लगता हो आप बना सकते हैं, लेकिन आसान अगर कहा जाए तो स्क्वायर थ्रेड जो होता है वो सबसे आसान होता है बनाना, तो उसी को मैं यहाँ आपको बनाकर दिखाता हूँ। आप भी एग्ज़ाम में अगर सिर्फ ऐसा आता है कि स्क्रू थ्रेड बनाइए तो एक स्क्वायर थ्रेड बनाकर आप आसानी से उसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो ये है एक स्क्वायर थ्रेड, तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा हमारा। इसके लिए आपको चाहिए पीच, तो यहाँ पीच ले लिया गया है 40 mm, और ये एच इसको ले लेते हैं 0.5P, तो ये आएगा हमारा 20 mm, ठीक है। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ले लेंगे 140 mm, ठीक है।
140 mm की लाइन ले लिया। और देखिए लाइट लाइन लेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और यहाँ से नीचे इस तरह वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से भी नीचे एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर दिया। और देखिए यहाँ से यहाँ ये दिया गया है 0.5 P, तो ये कितना है 20 है। तो 20 mm पर एक एक पॉइंट मार्क करते हैं इस तरह से, 20 20 20 20 20, और ये आखिरी यहाँ भी 20, ठीक है। और यहाँ से भी देखिए H ये भी 20 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ 20 mm पर एक पॉइंट मार्क कर दिया, और यहाँ से भी नीचे 20 mm पर एक पॉइंट मार्क किया, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, ये ठीक है। अब इस लाइन पर भी 20 mm पर एक एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, ये इस तरह से 20 20 20, और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए लाइन बना देते हैं, ये बिल्कुल लाइट लाइन इस तरह से, और ये हो गया। अब देखिए कौन सी लाइन मिटानी है, देखिए ये लाइन है, फिर ये नीचे इस तरह से, तो इस लाइन को मिटा देनी है, ये ऊपर, ये नीचे, फिर ये नीचे इस लाइन को, फिर ये ऊपर इसे, फिर ये नीचे इसे, फिर ये ऊपर इसे, फिर ये नीचे इसे, ठीक है। अब बाकी जो बच गई है उन लाइन्स को डार्क कर देना है, इस तरह से, ये इस तरह से, और नीचे वाले हिस्से को इस तरह इस लाइन से मिला देंगे, और इन्हें स्केल की मदद से इस तरह से ये लाइन को बना देते हैं एक एक करके। इस 1 से 2 mm की दूरी रखिएगा, ये लाइन हैचिंग लाइंस कहलाती है, ठीक है। और ये पूरा इस तरह से बन जाएगा, फिर इसके यहाँ H लिख देना है, पी और 0.5 P, इन सबको लिखकर जब ये पूरा बन जाएगा तो आपका इस तरह से दिखने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो गया। अब ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, इसका अगला जो पार्ट आएगा पार्ट 3, तो उस पर हम ये 4th क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे इस विश्वसरीय ITI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस पर अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।